दक्षिण अंडमान जिले के उपायुक्त रूपेश कुमार ठाकुर ने कल युवा आवास परिसर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय युवा कोर के स्वयं सेवियों के लिए 10 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा खेल एवं युवा कार्य विभाग के सहयोग से इस प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। अपने संबोधन में उपायुक्त ने राष्ट्रीय मूल्यों, व्यक्तित्व विकास, प्रबंधनीय जीवन कौशल तथा अन्य लोगों के बीच स्वयंसेवियों की विशिष्टता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित कर क्षमता विकास प्रशिक्षण के आयोजन के लिए नेहरू युवा केंद्र के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए राष्ट्र निर्माण की दिशा में बेहतर ढंग से युवा बलों की ऊर्जा के उपयोग की जरूरत पर बल दिया। रंगत के नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा समन्वयक अल्फोंस टोपो ने कहा कि राष्ट्रीय युवा कोर को सूचना एवं शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है ताकि युवा वर्ग अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में अपने कार्य को अंजाम दे सके। जिला युवा समन्वयक कुंदन लाल ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद कोर के सदस्यों को अपने संबंधित क्षेत्रों में युवा विकास गतिविधियों के लिए तैनात किया जाएगा।